my channel. This is Harshita and I hope you all are doing very very well. So guys, आज की video is totally different. Generally मैं beauty videos बनाती हूँ, reviews देती हूँ, makeup videos बनाती हूँ, hauls लाती हूँ, but आज की video मैं आज का जो मेरा video है is totally different because आज मैं बात करने वाली हूँ RGB light के बारे में. आज के time में बहुत ही high product है for the setup. In fact this light can change the overall setup for you guys. In fact जो भी अभी you know budding YouTubers हैं जो अपने studio में अपने backgrounds में इतना ज़्यादा invest नहीं कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ये आरजीबी लाइट उनको बहुत ही यू नो अच्छा सेटअप प्रोवाइड करेगा, बहुत ही अच्छा यू नो लाइट प्रोवाइड करेगा विदाउट कॉस्टिंग एंड विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ द यू नो कितना ज्यादा पैसे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू गाइस जो जो भी अभी यू नो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जिनको भी अपना सेटअप थोड़ा सा यू नो अपग्रेड करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. सो या बिफोर वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड द न्यू वीडियो. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट हैपेंस विद द न्यू लाइट आई हैव बॉट फॉर मी एंड यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू यू नो अनबॉक्स दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सो ये मेरा भी यू नो फर्स्ट एक्सपीरियंस है विद दिस लाइट एंड लेट्स सी ये जो हमारी लाइट है ये हमारे सेटअप को चेंज करती है नहीं करती, कैसा यू नो परफॉर्म करती है. लेट्स सी प्रोडक्ट इट लुक्स लाइक दिस फ्रॉम इनसाइड. यू कैन सी कि ये जो है हमारी एक मेटल बॉडी है. सो आप जो ये वायर देख रहे हो ये इतनी लंबी नहीं आती है, ये सिर्फ इतनी ही वायर आती है. मैंने ये जो है इलेक्ट्रिशियन से जाके इसको यू नो बड़ा करवाया है सो दैट मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकूँ. मैंने ये 1 मीटर का लगवाया है. आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको केबल को एक्सटेंड करा सकते हो या फिर वैसे भी ना जनरली लोग यूज़ कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट जो है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को मिला के इसको यूज़ कर लेते हैं. सो यू कैन सी कि ये पूरी अच्छे से हमारी मेटल बॉडी है. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हमारा एक ना होल्डर भी आता है सो दैट ये अच्छे से होल्ड हो जाए, टिल्ट हो जाए, जिस भी पोजीशन में हम लगाना चाहें उसमें आता है. लेकिन मैंने जहाँ से ये ऑर्डर किया था मुझे अभी ये नहीं मिला है. सो आई एम गोइंग टू यू नो रिप्लेस दैट ऑल एल्स आई विल जस्ट ट्राई कि मैं थोड़ा यू नो इसके पीछे कुछ बैक सपोर्ट लगा के उसको कर लूँ. सो फॉर नाउ यू कैन सी कि लाइट कुछ इस तरीके से दिखती है. यहाँ पे जो है ना ये उसके ऊपर प्लास्टिक बॉडी है सो दैट अंदर की जितनी भी हमारी स्ट्रिप्स है वो डैमेज ना हो. सो बेसिकली इसमें 3 लाइट्स हैं. प्राइमरी लाइट्स जो है हमारी RGB बेसिकली रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड साथ मिलता है मुझे एक रिमोट जिसकी हेल्प से आप इसके जितने भी कलर्स हैं ना वो आप चेंज कर सकते हो. सो दिस इज़ द रिमोट बेसिकली. यू कैन सी इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, रेड के शेड्स हैं, ग्रीन के शेड्स हैं, ब्लू के शेड्स हैं. सो बेसिकली इसमें जितने भी शेड्स हैं ना ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग इसमें LED स्ट्रिप्स लगे हुए हैं. इसमें क्या है 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ही आपके ये सारे शेड्स जो है बनते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इस रिमोट की फंक्शनैलिटी बता देती हूँ ये किस तरीके का रिमोट है. दिस इज़ अ वेरी हैंडी डैंडी रिमोट. जैसे आप देखते होंगे कि बसेस में या कार्स में पहले यू नो FM को चेंज करने के लिए हमारे पास इसी टाइप का इसी मटेरियल में हमारे पास एक छोटा सा रिमोट होता था. बट या मैं डेफिनेटली कहूँगी इस प्रोडक्ट इस लाइट के लिए दिस रिमोट वॉज वेरी मच नीडेड बिकॉज अब बार बार इसे मैनुअली चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल एंड कुछ कुछ लाइट्स में वो होता भी है. बस इसमें जो है हमारा ये रिमोट के साथ मिलता है, मैनुअली नहीं आता है. सो दिस इज़ अ रिमोट. आप देख सकते हो उसमें डिफरेंट मल्टीपल कलर्स हैं. दीज टू आर फॉर ब्राइटनेस कि आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो. देन यहाँ पे जो हमारे 2 बटन्स हैं ये ऑफ ऑन के लिए हैं. अगर आपको लाइट नहीं चलानी है आप ऑफ कर लो, चलानी है ऑन कर लो. देन वी हैव 4 मोड्स डिफरेंट मोड्स दैट इज फ्लैश, स्ट्रोक, फेड एंड स्मूथ. सो डिफरेंट जो है आप मोड्स में अपनी लाइट्स को यू नो अच्छे से अरेंज कर सकते हो फॉर दैट परफेक्ट इफेक्ट जैसा भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, अकॉर्डिंग टू द नीच और एवरीथिंग. आप जो है इस रिमोट की हेल्प से सेट कर सकते हो अपने लाइट्स को. एंड यू कैन सी आपने देख लिया है ये रिमोट बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट आपको जब ये रिमोट रिसीव होगा यहाँ पे एक छोटी सी ना प्लास्टिक की स्ट्रिप होगी. ये रिमोट तभी स्टार्ट होगा जब आप इस प्लास्टिक की स्ट्रिप को जो है रिमूव करोगे. अभी मैंने वो रिमूव कर दिया एंड आई डोंट नो मैंने उसे कहाँ रख दिया है. सो मैंने उसे रिमूव कर दिया है तभी उसके बाद जो है ये रिमोट आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा. इसके अंदर एक सर्कुलर सेल आता है अराउंड सर्कुलर शेप में. सो वो जो है इसके अंदर होता है. आपको उसे अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर वो इनबिल्ट आपको मिलेगा. सो आपने देख लिया है रिमोट की फंक्शनैलिटी. अब लेट मी शो यू कि एक्चुअली में ये लाइट कैसे
यू नो काम करती है. सो लेट मी शो यू दैट. सो यू गाइस यू कैन सी कि मेरा बैकग्राउंड अभी चेंज हो गया है, क्योंकि अभी इससे पहले मेरा बैकग्राउंड बहुत ही कलरफुल था. सो उसमें आपको उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मोस्टली कलर्स जो है वाइट बैकग्राउंड क्रीम बैकग्राउंड्स पे ही अच्छे लगते हैं. सो आई हैव चेंज माय बैकग्राउंड. आई विल शो यू कि ये जो लाइट्स है कैसी लगती है. सो अभी जो है मैं अपनी पूरी लाइट्स जो है ऑफ कर देती हूँ, एंड देन आई विल शो यू कि इसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं. इनफैक्ट मैंने आपको रिमोट में तो दिखा ही दिया है कि इसमें कितने डिफरेंट कलर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं. स्टिल मैं आपको यहाँ पे अभी ऑपरेट करके दिखाऊंगी कि ये एग्जैक्टली कैसा है, सो दैट आपको ईजी रहे कि आपको इसको खरीदना है नहीं खरीदना है. आपको पूरा यू नो अच्छे से इसका इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाए. सो लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द लाइट एंड आई विल कम बैक. दिस इज द लाइट एज यू कैन सी हियर. दिस इज द फ्लैश लाइट. दिस इज बेसिकली अ फ्लैश मोड. मैं यहाँ पे आपको ऐसा आपको दिखेगा नहीं, सो मैं यहाँ पे ना बॉल की तरफ फेस करके आपको दिखा रही हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसा रहेगा. सो यू कैन सी अभी मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है ऑब्वियसली, आई विल गेट इट रिप्लेस, बट यू कैन सी मैंने अभी जो है ना यहाँ पे अपने हाथ में इसको पकड़ रखा है. इसके अलावा आप जो है इसको किसी बैक सपोर्ट के साथ भी यू नो ऑपरेट कर सकते हो अगर आपका इसका हैंडल पीछे का नहीं है तो. सो यू कैन सी अभी जो मेरा मोड है इज बेसिकली फ्लैश मोड. सो आप देख रहे हो इसमें मल्टीपल कलर्स, जितने भी इसमें कलर्स है सब फ्लैश हो रहे हैं. देयर इज ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, पर्पल, लाइट ब्लू, डीप ऑरेंज, एवरीथिंग इज देयर. सो दिस इज बेसिकली द एज आई टोल्ड यू दिस इज द फ्लैश मोड फ्रॉम दिस रिमोट. लेट मी शो यू कि ये जो हमारा रिमोट है एग्जैक्टली इसके सारे बटन काम कर रहे हैं या नहीं. सो फर्स्टली मैं इसको ऑफ करके आपको दिखा देती हूँ कि ऑफ हो रहा है या नहीं. सो लेट मी टर्न इट ऑफ. मैंने इसको ऑफ कर दिया. ये इजिली बहुत अच्छे तरीके से इसका ऑफ बटन काम कर रहा है. ऑन बटन भी इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है. एंड लेट मी टेल यू कि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना, इसका जो फर्स्ट मोड रहेगा दैट विल बी ऑलवेज फ्लैश बाय डिफॉल्ट. ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले यू नो सिंगल मोड पे या स्मूथ मोड पे सेट कर रखा है उसको तो वही मोड रहेगा. नो गाइस, इसका मोड बाय डिफॉल्ट फ्लैश ही रहेगा. सो यू कैन सी द शेड्स है कि बॉल पे कितनी अच्छे तरीके से यू नो फ्लैश होते आ रहा है. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इंटेंसिटी कैसी है यू कैन सी. नाउ लेट मी शो यू द ब्राइटनेस कि इसकी जो ब्राइटनेस है ये कितनी ऊपर जाएगी, कितनी इसकी लो हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इसके शेड्स कैसे लगेंगे. सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी ब्राइटनेस लो करके. मैंने इसको यहाँ पे इसका ब्राइटनेस लो कर दिया. सो यू कैन सी दिस इज सच अ प्रिटी स्मूथ मोड ऑफ दिस शेड. इसमें आप जैसे ग्रीन शेड भी कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट शेड्स भी कर सकते हो. अभी मैं इसकी ब्राइटनेस जो है बढ़ा के आपको दिखा देती हूँ. सो यू कैन सी कि मैंने इसकी ब्राइटनेस कितनी बढ़ा दी, इनफैक्ट फुल कर दिया. सो आपको ये थोड़ा सा ना वैसा सा लुक दे रहा है, थोड़ा सनसेट काइंड ऑफ लुक है ना वैसे दे रहा होगा आपको. सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ उसके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड है, दैट इज फ्लैश, स्ट्रोक, फेड, स्मूथ. सो यू कैन सी द स्मूथ मोड ऑफ दिस शेड. दिस इज अ येलो शेड. सो इसमें काफी अच्छी यू नो फीचर्स हैं, मोड्स हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ. स्मूथ मोड कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है यू कैन सी. मोस्टली मैं तो अपने बारे में यही बताना चाहूंगी कि मैं तो स्मूथ मोड ही इसका यूज करने जा यू नो करूंगी मोस्टली, क्योंकि मुझे इसमें ब्यूटी वीडियोस केयर वीडियोस बनानी होती है. सो आई विल गो विद द स्मूथ मोड मोर देन अदर लाइक फ्लैश या स्ट्रोक्स. ज्यादा मैं स्मूथ मोड ज्यादा प्रेफर करूंगी. एंड फ्लैश मोड तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है. अगर मैं नॉर्मल वीडियोज ना बनाऊँ तो उसके लिए मेरा फ्लैश मोड इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी. एवरी कलर इज फ्लैशिंग एज इट इज एज इज ऑन द रिमोट. सो आई क्वाइट लाइक दिस यू नो रिमोट की काफी हैंडी डैंडी है. आई क्वाइट लाइक दिस क्योंकि हम मैनुअली कितना ही उठ के बार बार करते रहेंगे. सो इट्स बेटर कि हमारे पास एक रिमोट हो जिसमें ना हम कहीं पे भी बैठे हो अपने सेटअप में, वहां जाके इजीली ना इसको कर सकते हैं चेंज अपने शेड को, अपने मोड को, कुछ भी. एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा, ये फ्लड लाइट. एंड मैं इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि इसका जो हमारा वॉट है इस 200 वॉट, ये इतना ज्यादा पर मुझे नहीं लगता कि 200 वॉट है. ये 50-200 वॉट के बीच में ही मुझे लगता है इतना ही होगा. ऑब्वियसली बॉक्स पे तो इतना ही लिखा हुआ है, बट यार इतना भी मतलब काफी है अगर आप ले लो, क्योंकि अगर आप 2-3 लाइट्स लोगे देन आपकी तो पूरी वॉल जो है वो ही भर जाएगी लाइट से. बट यार इट इज लुकिंग क्वाइट कूल एंड क्वाइट नाइस एंड अफोर्डेबल टू. क्योंकि अगर आप ये खरीद लेते हो ना तो इसके अलावा आपको कुछ और यू नो बैकग्राउंड सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी. सो यार लेट मी टेल यू, आई बॉट दिस फॉर ₹345 प्लस शिपिंग चार्जेस. सो यू कैन बाय दिस फ्रॉम Amazon. आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द डिस्क्रिप्शन, ऑल द लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो कि आपको ये फ्लड लाइट कैसी लगी. इन फैक्ट जब मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को देखती थी, आई वॉज लाइक कि ये क्या है एग्जैक्टली, बैकग्राउंड कहाँ से आया. देन आई फाउंड आउट फ्रॉम समवन कि अच्छा दिस इज अ लाइट, दिस इज अ फ्लड लाइट, कि उससे वो यूज करते. देन आई थॉट इट मस्ट बी यू नो क्वाइट एक्सपेंसिव.
एक्सपेंसिव बट नो इट इज क्वाइट अफोर्डेबल एंड इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. अगर आप यू नो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो देन आई मस्ट टेल यू इंस्टाग्रामर्स ब्यूटी ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स जो भी अपने बैकग्राउंड को यू नो अपडेट करना चाहते हैं मॉडिफाई करना चाहते हैं दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. एंड आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो जो कि काफी यू नो अलग था मेरे प्रीवियस वीडियो से पसंद आया होगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग 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 थम्स अप सो दैट मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स को मेरे फॉलोअर्स को कौन से कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं सो दैट आई कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बटन भी आपने जरूर से जरूर हिट कर ही दिया होगा. सो गाइज आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर.